नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपका गुड लक राशिफल में सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं आपके राशि अनुसार उपाय। राशिफल की शुरुआत करेंगे पंचांग से, उसके बाद आपको बताएंगे आज का गुड लक उपाय। राशिफल के बीच में आपको बताएंगे बर्थडे का गुड लक उपाय और प्रोग्राम के लास्ट में आपको बताएंगे आज का महागुड लक उपाय। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज शुक्रवार का दिन है, तारीख है 22 नवंबर 2019, मार्गशीर्ष एकादशी पर चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे। आज का राहु काल रहेगा सुबह 10:48 से 12:07 तक। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व, भद्रा रहेगी सुबह 6:53 से लेकर 9:01 तक। विशेष क्या है, आज उत्पन्ना एकादशी बहुत विशेष दिन है भगवान विष्णु का। आइए इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए आपको बताते हैं आज का गुड लक उपाय। क्या करें आप जीवन में ऐश्वर्य के लिए, लग्जरीज के लिए क्या करें, भगवान विष्णु पर इत्र चढ़ाकर नियमित रूप से उसका इस्तेमाल करें। बात करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी कि आज बहुत इंपॉर्टेंट काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। घर की साफ सफाई में आप बिजी रह सकते हैं। अविवाहितों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। खास कामों के लिए दिन बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर क्या करें, दैनिक पूजा पाठ में पीले रंग के फूल चढ़ाएं। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। जरूरी काम में परिवार का सहयोग मिलेगा, अच्छी खबर मिल सकती है। रोजगार के मामलों में किसी से सलाह ले सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो सकती है। उपाय के तौर पर क्या करें, सफ़ेद रंग के मोजे पहनें। बात करते हैं राशि नंबर 3 मिथुन यानी कि जमुना की। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, पारिवारिक काम को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। किस्मत का आपका साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ आज घूमने जा सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करें, चाशनी से बने पकवान खाएं। बात करते हैं राशि नंबर 4 कर्क यानी कि कैंसर की। आज दफ्तर में कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। गुस्से पर आज कंट्रोल रखें, वरना बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। मन की बातें कहने में सावधानी रखें। उपाय के तौर पर क्या करें, किसी गरीब महिला को आलू दान करें। बात करते हैं राशि नंबर 5 सिंह यानी कि लियो की। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होगा, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपको सेहत से जुड़ी थोड़ी परेशानी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ विवाद हो सकता है। उपाय के तौर पर क्या करें, दक्षिण पूर्व मुखी होकर कुछ देर पढ़ लें। बात करें राशि नंबर 6 कन्या यानी कि वर्गो की। आज कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करें, धार्मिक चित्र पर फल चढ़ाएं। बात करते हैं आज के बर्थडे के विशेष उपाय की। क्या करें आप, भगवान श्री हरि पर सफ़ेद चंदन चढ़ाकर नियमित रूप से उसका इस्तेमाल करें, इससे मेंटल टेंशन खत्म होगा। बात करते हैं राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। दफ्तर में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। कारोबारी वर्ग को धन लाभ हो सकता है। शाम को दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करें, तुलसी पर थोड़ा सा मैदा चढ़ाएं। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। मन में नए नए विचार आएंगे, बचपन के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, किसी से कुछ नया सीखेंगे, मिलकर किए गए कामों में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करें, चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। बात करते हैं नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। आज दोस्तों की मदद से आपके काम बनेंगे, क्रिएटिव कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, मैरिड लाइफ के संबंध जो हैं वो मधुर बनेंगे, कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना करेगा। उपाय के तौर पर क्या करें, किसी गरीब बच्चे को दही का दान करें। बात करते हैं 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। आज का दिन सामान्य रहेगा, कोई गलतफहमी आपको हो सकती है, कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने आ सकती हैं, शरीर थोड़ा सुस्त महसूस करेगा आपका। उपाय के तौर पर क्या करें, पीले रंग के फूल जेब में रखें। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। बिजनेस में कुछ नया करने से बचें, कामकाज में मन लगेगा या रुकावटें आ सकती हैं। लेन देन में असावधानी आपको हानि दे सकती है, सिरदर्द होने से परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करें, कपड़ों पर परफ्यूम लगाकर घर से निकलें। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी कि पाइसिस की। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, दूसरों को उत्साह देकर उत्साहित रहेंगे। साथ से जुड़े लोगों को काफ़ी सफलता मिलेगी, दिन उनके लिए अच्छा है, सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय के तौर पर क्या करें, चना दाल के दाने कपूर से जला दें। तो फ्रेंड्स, अब समय आज के महागुडलक उपाय का। क्या करें आप, भगवान विष्णु पर 5 कमलगट्टे चढ़ाकर किसी जल कुंड में फेंक दें, इसलिए इससे प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।